divisible by or multiple by and something like that programs. Display all numbers or all counting numbers which is divisible by 2 up to n, where n is a maximum range. इस केस में पूछा गया है, suppose that अगर run time पर n का value enter किया है जा 100, इस केस में 1 और 100 के between में from 1 to 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, up to 100. यानी बोलो 100 क्या है इस केस में value of n, entered value of n. इस range के अंदर 1 से लेकर n तक, means up to n, 1 से लेकर n तक जितने भी numbers 2 के multiple हैं वो सारे के सारे number display कराना. First problems के केस में display क्या कराया था? All counting number from 1 to n. All counting number 1 to n के केस में simple logic क्या था? Simply void main. इसके साथ लिटिल मॉडिफिकेशंस परफॉर्म होंगे. इंटीजर आई फॉर लूप, फॉर लूप इस केस में स्टार्ट किससे कराना है? 1 से. फर्स्ट वे आई इक्वल्स टू 1, देन कंडीशन क्या है, कब इस लूप को मैनेज कब तक करना, अप टू लास्ट वैल्यू. लास्ट वैल्यू क्या है? n. n इस केस में कीबोर्ड से रीड कराना, इसलिए कीबोर्ड से n को रीड करने के लिए डिक्लेअर करेंगे वन मोर एक्स्ट्रा वेरिएबल एस n. Then reading inputs for variable n, puts enter number variable as number. Then simply इसके साथ loop manage करें, loop कहाँ से कहाँ तक चलाना, 1 से लेकर n तक और number तक. 4 I equals to initial value क्या फॉर्मूला है सीरीज में 1, अगेन कंडीशन कब तक चलाना, जब तक I का वैल्यू नंबर से छोटा है नंबर के इक्विवेलेंट है. देन अगेन डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है करंटली सीरीज को, नेचुरल नंबर्स के केसेस में 1 का, इसलिए यूज क्या कर सकते हैं, I प्लस प्लस. अगर इस केस में प्रिंट एफ के अंदर, प्रीवियस केस में प्रिंट एफ के अंदर डायरेक्टली क्या डिस्प्ले कराया था, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ आई. इस केस में प्रॉब्लम क्या था, मींस अगर आप डायरेक्टली प्रिंट एफ के थ्रू आई का वैल्यू डिस्प्ले कराते हैं, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या 1, देन आउटपुट में क्या डिस्प्ले हुआ 1, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग 2, इसलिए डिस्प्ले क्या होगा 2, नेक्स्ट टाइम 3, 4 लाइक दैट. लेकिन इस केस में सारे नंबर डिस्प्ले नहीं कराए, ओनली वो नंबर डिस्प्ले कराए जो 2 के मल्टीपल्स हैं. 2 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाय 2, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर इसका 0 आता है, देन इस नंबर का टाइप क्या हुआ, देन दिस नंबर इज कंसीडर्ड एज मल्टीपल ऑफ 2. इस केस में नंबर मींस, इस केस में डिवाइड किसको करेंगे, नंबर के प्लेसेस पर डिवीजन किसका कराना है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या 1, तो 1 को टेस्ट करेंगे 1 मॉड्यूलो बाय 2, नेक्स्ट टाइम किसके लिए टेस्ट करना है 2 मॉड्यूलो बाय 2, नेक्स्ट टाइम किसके लिए टेस्ट करना है 3 मॉड्यूलो बाय 3 modulo by 2, then next time 4 modulo by 2, next time 5 modulo by 2, इस तरह से सारे नंबर टेस्ट करेंगे. इस केस में 1 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, इसलिए 1 को इससे डिस्कार्ड कर देंगे. 2 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, इसलिए 2 को इंक्लूड करेंगे. 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 1, इसलिए 3 को भी डिस्कार्ड कर देंगे. 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0, मींस 4 इंक्लूड होगा. तो फाइनली इस केस में कंडीशन क्या है, दैट 1 मींस प्रीवियस केस में डायरेक्टली प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले क्या कराया था, वैल्यू ऑफ आई. अब आई के सारे वैल्यू डिस्प्ले ना करा के आई को डिस्प्ले कराएं कंडीशनली बेस्ड ऑन कंडीशंस. कंडीशन क्या है, आई मॉड्यूलो बाय 2 इक्वल्स टू 0. आई को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया था, इस केस में आप श्योर हो आई का करंट इटरेशन या करंटली आई जिस नंबर को रेफर कर रहा है नंबर कैसा है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 है, देन डिस्प्ले कराओगे वैल्यू ऑफ आई. प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ आई दैट 1 मींस इस प्रोग्राम के थ्रू करंटली इस लॉजिक्स के थ्रू 1 से लेकर n के किसी भी वैल्यू के लिए ऑल मल्टीपल ऑफ 2 नंबर डिस्प्ले कराना पॉसिबल. मल्टीपल ऑफ 2 और डिविजिबल बाई 2 फॉर एनी रेंज. सपोज दैट इस केस में नंबर एंटर किया है 10, टेस्ट करते हैं वन मोर टाइम्स, एंटर नंबर इज 10. 10 के केस में लॉजिक क्या रहेगा, फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर आई एंड प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन फॉर गिवन नंबर वेरिएबल नंबर. स्कैन ऐप के थ्रू नंबर का वैल्यू एंटर किया जाए 10,
देन इनिशियलाइजेशन परफॉर्म हुआ तो आई के केस में सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या साइन हो रहा है, वन। इन दैट केस फर्स्ट वन डिस्प्ले, इसके अकॉर्डिंग अगर नंबर का वैल्यू 10 एंटर किया डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ऑल नंबर्स बिटवीन 1 to 10 विच इज डिविजिबल बाई 2। तो 1 और 10 के बिटवीन में 2 के डिविजिबल नंबर्स क्या हैं, 2, 4, 6, मीन से इनडायरेक्टली वी कैन से इवन नंबर्स। सेम एज ये लॉजिक किसका है, सेम एज इवन नंबर्स। इन दैट केस परफॉर्म क्या कराएंगे, फर्स्ट वन, फर्स्ट टाइम जब ये लूप इटरेट हुआ तो लूप के केसेस में आई का इनिशियलाइजेशन किस हो रहा है, 1 से। देन कंडीशन 1 लेस देन इक्वल्स टू नंबर, नंबर का वैल्यू फाउंड हो रहा है 10, इसलिए एवरी टाइम कंपेरिजन किससे हुआ, 10 से। कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है देन इफ कंडीशन टेस्ट कराएं, इफ के केस में इस केस में नंबर को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा के कंडीशंस के बेसिस पर डिस्प्ले करा, अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हुआ देन ओनली नंबर का वैल्यू डिस्प्ले हुआ, अदरवाइज सिंपली डिस्कार्ड इट। इफ कंडीशन टेस्ट हुआ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है इस केस में, 1 मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0, रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, 1 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट वन, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है इस केस में, देन सिंपली इस केस में इफ का बॉडी पार्ट स्किप हो जाएगा, देन नेक्स्ट टाइम चांस किसको मिलेगा, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 के अकॉर्डिंग अगेन इफ कंडीशन 4 कंडीशन टेस्ट हुआ, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन अगेन ट्रू है, देन कंट्रोल कहाँ जाए, इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है आई, आई का वैल्यू क्या है इस केस में, वैल्यू ऑफ आई इज 2 मॉड्यूलो बाई 2 इक्वल इक्वल 0, रिमाइंडर इज, इसका डिवीजन का रिमाइंडर क्या रहा है, 0 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज ट्रू है, देन चांस किसको मिलेगा, बॉडी ऑफ इफ इससे डिस्प्ले क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आई, करेंटली आई में वैल्यू स्टोर आ जाए 2, इसलिए मैसेज भी क्या प्रिंट हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन, आई प्लस प्लस वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 3, आई की वैल्यू 3 होने के जस्ट बाद देन अगेन कंडीशन टेस्ट करें, कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करो, वैल्यू ऑफ आई विच इज 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू है, देन अगेन इफ कंडीशन टेस्ट कराएं, इफ कंडीशन में डिवाइड किससे कराना है आई को, आई का वैल्यू क्या है करंटली 3, तो 3 को अगेन किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि मल्टीपल किसका चेक करें 2 का, 3 का मल्टीपल टेस्ट करना होता है, मल्टीप्लाई किससे डिवाइड किससे करते 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन इज फॉल्स है, देन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 4, आई का वैल्यू 4 होने के जस्ट बाद देन अगेन कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन टेस्ट हुआ देन 4 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन इज ट्रू, 4 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स नंबर कैसा मल्टीपल है, देन अगेन क्या डिस्प्ले हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आई मीन्स 4, आई का वैल्यू क्या इस केस में 4, इस टाइप से फाइंड दिया आउटपुट क्या आएगा 2, 4, 6, 8 and 10 itself, जैसे ही आई का वैल्यू फाइनली 11 होगा देन कंडीशन फॉल्स हो जाए, बाहर आ जाओगे। इस टाइप से लॉजिक से करेंटली टेस्ट किया गया इस केस में, डिस्प्ले ऑल नेचुरल नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2। व्हाट हैपेंस व्हेन दिस क्वेश्चन इज गिवन लाइक दैट, डिस्प्ले ऑल काउंटिंग नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 3, अगर 3 के केस में टेस्ट करना, 3 के केसेस में भी अगेन अप्लाई क्या करेंगे, मीन्स अगेन रेंज क्या है 1 to n, इसलिए लूप कहाँ से कहाँ से चलाना है, 1 से लेकर n तक और नंबर तक, लेकिन इस बार आप डिविजिबल किसका टेस्ट करना है, 2 का है 3 का, 3 का, तो इफ कंडीशन में डिवाइड किससे कराओगे 3 से, अगर i का वैल्यू ith वैल्यू 3 के से डिवाइड हो रहा है 3 का मल्टीपल है देन डिस्प्ले क्या हो जाएगा i, अदरवाइज लीव इट। सेम एज अगर 4 के रिगार्डिंग टेस्ट करना, डिस्प्ले ऑल काउंटिंग नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 और डिविजिबल बाई 5, देन इस केस में लूप अभी 1 से लेकर n तक चलाना है, लेकिन इस केस में और डिवाइड किससे कराएंगे, i मॉड्यूलो बाई 5 इक्वल इक्वल 0, लाइक दैट, दीज आर द केस, इस लॉजिक्स के थ्रू गिवन रेंज चेक करना पॉसिबल। इसी केस में अदर फॉर्मेट क्या हो सकता है इस केस में, मीन्स अगर 3 से चेक करना है तो 3 के रिगार्डिंग में सेम करेस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव लॉजिक्स क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन, चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट फॉर फ्रॉम 1 to 1 to n, 1 to n के बिटवीन फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 से अगर टेस्ट करना है, फर्स्ट 5 का मल्टीपल क्या हुआ श्योर है इस केस में, 5 itself, मैं 0 को कंसीडर नहीं कर रहा, 1 से लेकर n तक, तो इस केस में डायरेक्टली स्टार्टिंग कहाँ से करा देंगे 5 से, देन लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है अभी भी n तक, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 5 से, तो फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या हुआ 5, नेक्स्ट टाइम क्या आना चाहिए i प्लस प्लस के अकॉर्डिंग 6, लेकिन नेक्स्ट 5 के बाद नेक्स्ट मल्टीपल 5 का क्या हुआ 10, 15
एंड सो ऑन। तो इस केस में एवरी टाइम डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, जनरेट हो रहा है 5 का। इस केस में इंक्रीमेंट 1 से ना करा के इंक्रीमेंट कितने से करा हुए, आई इक्वल्स टू आई प्लस 5। तो इस केस में श्योर है जब भी लूप इटरेट होगा लूप के इसमें फर्स्ट इनिशियल वैल्यू क्या है 5, नेक्स्ट टाइम 5 से इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट वैल्यू क्या है 10, नेक्स्ट वैल्यू 15। मीन सारे के सारे वैल्यू आई के ऑलरेडी कैसे जनरेट हो रहे हैं जब मल्टीपल ऑफ 5, इसलिए इस केस में कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली क्या डिस्प्ले कराएंगे वैल्यू ऑफ आई। दिस इज द एंड ऑफ द लॉजिक फॉर डिस्प्लेइंग एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ सच नंबर। अगर 6 के रिस्पेक्ट में चेक करना, चेक द गिवन मीन्स डिस्प्ले ऑल नंबर फ्रॉम 1 to n विच इज डिविजिबल बाई 6। 6 से टेस्ट करना है तो स्टार्टिंग कहाँ से कराएंगे 6 से, इनिशियलाइजेशन किससे कराओगे 6 से, क्योंकि 6 के मल्टीपल का टेबल क्या है 6, 12, 18। एवरी टाइम डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है इस केस में 4, 6 का। तो इसलिए इंक्रीमेंट भी कितने से कराना चाहिए ऑलवेज 6। इस केस में आई के सारे वैल्यू प्रिंट आउट विदाउट एनी कंडीशंस।